एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। क्षमता या अक्षमता को नापने का क्या पैमाना है? आपने वो सारस और लोमड़ी वाली कहानी तो सुनी होगी। लोमड़ी ने सारस को दावत पे बुलाया और एक सपाट थाली में पतली खीर परोस दी। बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से मुश्किल से ही कुछ खा पाया, मगर लोमड़ी सड़प सड़प से सारी खीर खुद ही चट कर गई। बदले में सारस ने लोमड़ी को घर बुलाकर एक लंबी गर्दन वाली सुराई में सूखा दाना परोस दिया। इस बार बीवी लोमड़ी मुंह ताकती रह गई और सारस की लंबी चोंच दाने पे दाना उठाकर गड़पती गई। इस नीति कथा में एक बहुत बड़ा सच छुपा है जो हमारे आज के टॉपिक से जुड़ा है, यूनिवर्सल या सर्वव्यापक डिजाइन। हमारे समाज में बच्चे, बूढ़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, तंदुरुस्त, बीमार, दृष्टिहीन, सब तरह के लोग होते हैं। तो क्या इन सब की रोजमर्रा की जरूरत का ध्यान रखा जाता है? जब आम इस्तेमाल की चीजें, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, गाड़ियां वगैरह के डिजाइन्स बनाए जाते हैं, क्या उद्योग और सरकार उनको भी पोटेंशियल कस्टमर्स या भावी उपभोक्ता की नजर से देखते हैं? दिल्ली मेट्रो जब स्टार्ट हो रहा था, 1998 में हमने इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट किया था और 2002 में सबसे पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी। तो जब हम स्टार्ट कर रहे थे, ये नया सिस्टम आ रहा था, तो हम नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और हम लोग काफ़ी कॉन्शियस थे ये फैक्ट का, हमारे पैसेंजर्स जो हैं हर टाइप के हैं और काफ़ी सिग्निफिकेंट संख्या जो है वो ऐसे लोग हैं जिनको कोई हैंडीकैप हो या कोई फिजिकली चैलेंज्ड हो। तो इनके लिए हम खास करके हम काफ़ी कॉन्शियस थे कि इनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि ये लोग मेट्रो में आराम से सफ़र कर सकें। हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो काफ़ी मेट्रोज में गए, सिंगापुर, हांगकांग, ताइपाई, टोक्यो। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये सारे मेट्रोज में उनके लिए सारे एक्सेस के फीचर्स कई मेट्रोज में हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी गाइडलाइंस थे कि ऐसे ऐसे फीचर्स उनके लिए प्रोवाइड करने चाहिए। तो इस विजन के साथ हमने डिसाइड किया कि एक यूनिवर्सल डिज़ाइन होना चाहिए जिसमें अगर कोई भी डिफरेंटली एबल्ड हो, जिसको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई व्हीलचेयर बाउंड हो, जिसको देखने में प्रॉब्लम हो, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड हो, तो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के साथ भी अगर लोग आए मेट्रो पे, उनको मेट्रो में ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो सुविधा हम इस तरीके का प्लान कर रहे थे। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने अलग अलग फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। अगर कोई ब्लाइंड हो, नेत्रहीन कोई पर्सन हो जो देख नहीं पाता है, तो वहाँ से ही टेक्टाइल स्ट्रिप्स वो स्टार्ट हो जाएंगी, वो गाइड करेंगी उनको इनसाइड द सिस्टम। और ये टेक्टाइल स्ट्रिप्स बिल्कुल आपको टिकट काउंटर तक ले जाएगी, टिकट काउंटर से फिर आपको ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट्स तक ले जाएगी और फिर ट्रेन तक ले जाएगी। और फिर जब आप ट्रेन से उतरेंगे उसके बाद भी आपको गाइड करेगी। अगर आप देख नहीं पाते हैं तो ट्रेन के जो अनाउंसमेंट्स हैं वो बहुत क्लियर अनाउंसमेंट्स हैं। खान मार्केट स्टेशन, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। तो बेटर होगा कि आप कोई अपने साथ कोई हेल्प रखें, कोई गाइड रखें, वो ज़्यादा हम फायदेमंद होगा। बट फिर भी अगर कोई अकेले भी हो तो इट इज़ पॉसिबल कि वो हमारे सिस्टम को अकेले भी नेगोशिएट कर सकें। और फिर हर स्टेशन पे एटलीस्ट एक एंट्रेंस के पास वी हैव अ लिफ्ट, जिसमें कोई व्हीलचेयर बाउंड आदमी है तो वो खुद भी लिफ्ट को ऑपरेट कर सकता है। वो लिफ्ट के स्विचेस हैं वो लो हाइट पे हैं और ब्रेल में भी हैं, सो जो ब्लाइंड पर्सन है वो खुद वो स्विच को ऑपरेट कर सकता है। हमारे हर स्टेशन पे कस्टमर केयर काउंटर होता है, तो इस कस्टमर केयर काउंटर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कस्टमर केयर काउंटर से हम एक आदमी स्पेशली डिप्यूट करेंगे, वील पुट अ पर्सन जो ऐसे पर्सन को एस्कॉर्ट करेगा थ्रू आउट हिज जर्नी। वो ट्रेन में भी एस्कॉर्ट करेगा और बिल्कुल सिस्टम के बाहर तक सी ऑफ करेगा।
किसी शोशे का नाम नहीं, ये वो सच है जिससे हमारे रोजमर्रा के काम की चीजें, पॉलिसीज, ऑफिसेज, घर, शिक्षा प्रणाली, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, किसी भी चीज को डिजाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि समाज के सभी लोग इसमें शामिल हो सकें और आत्मसम्मान के साथ उनका इस्तेमाल कर सकें। यह किसी के ऊपर उपकार नहीं, हर इंसान का बुनियादी हक है। समाज की विविधता या डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, मुनाफा बढ़ाने का तरीका भी है। एक तरह से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। तो फिर ये नजर की तंगी नहीं तो और क्या है जो हमें यूनिवर्सल डिजाइन को अपनाने से रोकता है? कब बदलेगा ये नजरिया? दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@iway.org।